चंदनपुर नाम के एक गांव में ईश्वर नाम का एक चाय वाला रहता था। ईश्वर लोगों को चाय पिलाकर अपना घर चलाता था। इतनी महंगाई होते हुए भी ईश्वर की चाय सस्ती बिकती और कभी तो उधार वाले ग्राहक बिना पैसे दिए ही चाय पी जाते थे। तो कभी कोई मजबूर भूखा प्यासा इंसान आ जाता तो ईश्वर उन्हें भी चाय पिला देता। ईश्वर की चाय की दुकान ऐसी जगह पर थी जहाँ कुछ लोग चाय पीने के बहाने इकट्ठे होते थे और अपने दुख दर्द की बातें आपस में किया करते थे, जो बातें ईश्वर चाय वाला भी सुनता था। क्या बात है नंदन, बड़ा परेशान लग रहा है। हाँ माँ थोड़ी बीमार है और उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। क्या बताऊँ, अब मेरा भी मुश्किल से घर चल रहा है। जरा चाय वाले भाई से पूछ कर देखो, शायद कुछ मदद मिल जाए। अब नंदन ईश्वर चाय वाले से कहता है, ईश्वर भाई साहब, क्या तुम्हारे पास 1000 रुपए होंगे? मैं 3-4 दिन में वापस कर दूंगा। मेरी माँ का इलाज करवाना है तो प्लीज मना मत करना। अब ईश्वर इतना पैसे वाला कहाँ था जो लोगों को उधार देता फिरे। फिर भी उसने कुछ रुपए बचा कर रखे थे। ठीक है ये लो, और ईश्वर चाय वाला उसे पैसे दे देता है। और अगले 3-4 दिनों में ही नंदन ने 1000 रुपए चाय वाले को वापस लौटा दिए। अब ईश्वर पैसे लेकर अपने जेब में रखने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। ईश्वर भाई साहब, महेश बता रहा था कि आपने नंदन को 1000 रुपए की मदद की थी, कृपया मेरी भी 500 रुपए की मदद कर दो, मैं आज शाम को ही पैसे वापस लौटा दूंगा। अब ईश्वर ने उसे परेशानी में समझा देख 500 रुपए दे दिए और उस आदमी ने उसी दिन शाम को सच में 500 रुपए वापस लौटा दिए। धन्यवाद ईश्वर भाई साहब, अच्छा मैं चलता हूँ। अब थोड़ी ही देर में एक वृद्ध आदमी ईश्वर की दुकान पर आता है। बेटा, नंदन ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, मुझे मेरी दवाइयों के लिए 1200 रुपए की आवश्यकता है। जैसे ही मेरा बेटा मुझे पैसे भेजता है मैं तुरंत तुम्हें वापस कर दूंगा। चाचा जी, मैंने तो नंदन की यूं ही मदद कर दी थी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ होते हैं। बेटा ऐसा ना कहो, मुझे दवाइयों की सख्त जरूरत है, तुम मना मत करो, आप मेरे पिता समान हैं, इसलिए ये लीजिए 1200 रुपए, इन्हें आप रखिए और दवाइयाँ ले लेना। अब उस वृद्ध व्यक्ति ने पैसे लिए और चला गया। ईश्वर को अब थोड़ा डर भी था कि कहीं उसके पैसे डूब ना जाए, मगर अगले 4-5 दिनों में ही वह वृद्ध व्यक्ति आता है और ईश्वर को 500-500 रुपए के 3 नोट देता है। ईश्वर नोट को गिनकर बोलता है, चाचा जी ये तो 1500 रुपए, आप तो 1200 रुपए लेकर गए थे ना, ये लीजिए 300 रुपए वापस। नहीं नहीं बेटा, तुमने मेरी समय पर मदद कर दी, ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम रख लो। नहीं चाचा जी, मैं नहीं रख सकता। अरे रख लो भाई, मुझे कभी और जरूरत पड़ सकती है। ठीक है आप कहते हैं तो मैं रख लेता हूँ। अब धीरे धीरे लोगों को पता चलता गया कि ईश्वर चाय वाला पैसे देकर लोगों की मदद करता है। तो जिनको पैसों की जरूरत होती वो ईश्वर से पैसे उधार मांगने चले आते। चाय वाला भी अब उन पर विश्वास कर उन्हें पैसे दे देता, और जो लोग जितने पैसे लेकर जाते उससे थोड़ा ज्यादा ही पैसे ईश्वर को वापस लौटाते। ईश्वर भी उन्हें तोहफा समझकर वो पैसे रख लेता। धीरे धीरे वो एक्स्ट्रा पैसे ब्याज में बदलने लगे। लोग ईश्वर से उधार लिए पैसों पर ब्याज देने लगे, और इस तरह समय की गाड़ी चलती रही और ईश्वर पर स्वयं ईश्वर की कृपा होने लगी। उसकी चाय की दुकान एक बड़ी दुकान में बदल गई, और चाय का धंधा तो एक तरफ चलता रहा, साथ ही पैसों की लेन देन का धंधा जोरों पर चल रहा था। लोग चाय पीने कम, पैसे ब्याज पर लेने ज्यादा आने लगे। धीरे धीरे ईश्वर ने अपने गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक अच्छी खासी इज्जत बना ली और अपना नाम कर लिया। इस कहानी से शिक्षा
जिंदगी हमें एक बार सफल बनने का मौका अवश्य देती है, बस आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना।